क्या हम लोग कहाँ है? एक अद्भुत चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहाँ तुम्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना होगा, मतलब तुम्हें ड्राइंग करने की जरूरत है। और पहले दौर में तुम्हें बनाना होगा ये पॉपिट। जो कोई भी एक मिनट में सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा उसे यह खिलौना मिलेगा। और इसे पेंट से नहीं बल्कि स्किटल से बनाना है। वाह, ये खूब मजेदार होगा। तुम्हारा समय निकल रहा है, शुरू हो जाओ। तुमने कहा समय निकल रहा है, तो इसका मतलब यह मेरे फेवरेट कैंडी के मजे लेने का समय है। वाह, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। स्किटल्स के रंग बहुत चमकीले होते हैं, जिसका मतलब है कि इसके साथ अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं यह कर सकती हूँ। और मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। कैसा रहेगा अगर कैंडी को असली पेंट में बदल दे तो? इसके लिए बस एक पैलेट और थोड़ा पानी चाहिए। एकदम सही। अब मेरे पास बहुत सारे अलग अलग रंग हैं। Yes! नहीं, मैं किसी हाल में जेन को जीतने नहीं दे सकती। तुमने कहा तुम्हें पानी चाहिए, तुम्हें पानी मिलेगा। देखो ये कितना खूबसूरत है। अब ये ड्राइंग जीतने वाली ड्राइंग लग रही है। वाह! अब मैं क्या करूं? मैंने गलती से सारी कैंडी खा ली। वाह! बार्बी, मैं तुम्हारी ड्राइंग ले लूंगा। जी नहीं, मैं कितनी देर से मेहनत कर रही हूँ। अपना हाथ दूर रखो। दोस्तों, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, तो अब दिखाओ कि किसने क्या बनाया है। देखो, क्या तुम्हें ये पसंद आया? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ड्राइंग में कुछ भी नहीं है। यार, ये स्किटल्स बहुत स्वादिष्ट था और मैंने काफी कोशिश भी की है। ये सच है कि पानी की वजह से मैं दिल मेज पर ही रह गया। नहीं, ड्राइंग पूरी होनी चाहिए मेरी तरह। हाँ जेन, तुम एक सच्ची कलाकार हो। मुझे लगता है कि विजेता स्पष्ट है। जेन, ये विशाल पॉपिट तुम्हें मिलता है। पर क्यों, ये हमारा पुरस्कार था, ये मुझे मिलना चाहिए था। एंडी, क्या तुम इसे खेलना चाहते हो? लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, क्यों नहीं? नहीं, उसे मत छुओ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ठीक है, ठीक है, माफ करो जे, बार्बी को ये पसंद नहीं है। What? हमें इतने सारे सॉस की क्या जरूरत है? क्योंकि इस दौर में तुम्हें इससे ड्राइंग बनाना है और तुम्हारा पुरस्कार एक मछली है और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जरूर कोई कैच होगा। अगर अच्छे ड्राइंग के लिए अच्छा प्राइज है, तो बुरे ड्राइंग के लिए भी बुरा प्राइज। इस बार मैं खाऊंगा नहीं, मैं जीतना चाहता हूँ। एंडी, मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, पर तुम सारा कचरा मुझ पर फेंक रहे हो। ओ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जेन, माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, क्या तुम उसकी मदद कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बस अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था। ओके। और अब समय है अपनी ड्राइंग शुरू करने का। मुझे कौन सा सॉस लेना चाहिए? लगता है इसका चुनाव मेरे लिए ही किया गया है, और चुनाव अच्छा है। आशा करता हूँ कि मैं वैसी ही मछली बना पाऊँ। अरे वाह एंडी, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मछली सच में बहुत खूबसूरत है। अब मैं अपनी ड्राइंग बनाऊंगी अपनी उंगलियों से। मैं तो इसे आसानी से बना लूंगी, पर पहले थोड़ा सॉस चख कर देखती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। बस हो गया, सॉस खत्म हो गया। आशा करता हूँ कि सॉस का पैकेट नीचे ना गिरे। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, पूरी ड्राइंग खराब हो गई। अब मैं क्या करूँ? दोस्तों, रुक जाओ और अब अपनी ड्राइंग दिखाओ। क्या, समय समाप्त हो गया? मैंने कुछ नहीं किया। जेन, तुम पहले दिखाओ। जेन, तुमने बहुत अच्छा किया है, मुझे तुम्हारी ड्राइंग सच में पसंद आई। एंडी, देखो ये कितना खूबसूरत है, कितना बुद्धू है।
तुम्हारा काम कैसा लगा? मैंने पूरी मेहनत की है। तुम्हें ये कोई मजाक लग रहा है? तुमने मजाक समझ रखा है क्या? क्या? पर मैंने ड्राइंग की थी सच्ची में। ये बारबी का काम लगता है। बारबी, तुम्हारा काम सामान्य है पर जेन का बहुत बेहतर है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बारबी, मैं हारना नहीं चाहती थी। यह मछली जाती है एंडी को। अब तुम्हें समझ में आया कि मुझसे मजाक करने का फल क्या होता है? लेकिन मुझे मछली से नफरत है। परेशान मत हो, मुझे पता है कि हमारी मदद क्या करेगी यह बर्नर। तुम मछली से एक स्वादिष्ट डिश बना सकते हो। बर्नर कैसे काम करता है? यह कैसे चालू होता है? ओ, समझ गया। मुझे माफ करना बारबी। जेन, तुम जीनियस हो। देखो ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। चलो साथ मिलकर खाते हैं। जब हम मछली को सलाद के साथ सजाएंगे तो ये और भी बेहतर और स्वादिष्ट होगा। फिर सब कुछ एकदम सही होगा। जेन, तुम कितनी प्रतिभाशाली हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। इस बार का पुरस्कार थोड़ा अलग है लेकिन शानदार है। एक सुंदर ड्रेस तुम्हारा इंतजार कर रही है। वाह, कितनी खूबसूरत ड्रेस है। अरे हेलो, क्या तुम लोग मुझे सुन रही हो? मैं सुन रहा हूँ। बस बातें बहुत हो गई, अब ड्राइंग करने का समय है। समय निकल रहा है। वाह, मैंने पहले कभी 3D पेन से ड्रॉ नहीं किया है। मैंने भी नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगी। कितना खूबसूरत है यह 3D पेन। बहुत सुविधाजनक है। देखो कितनी खूबसूरती से हो रहा है। बहुत बढ़िया। पर मेरा विचार थोड़ा अलग है। चलो पहले अलग अलग हिस्से बनाए। पर मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। मैं ड्रेस बनाने की बजाय एक कार बनाऊंगा। सुंदर और तेज। देखो यह कितने अच्छे से चलता है। तुम एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। वाह, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर बनी, पर अफसोस बिल्कुल भी मजबूत नहीं। सुनो एंडी, तुम पेन से 3D मॉडल बनाने में बहुत अच्छे हो। शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो। हाँ, क्यों नहीं। एक लड़का ड्रेस बना रहा है। दोस्तों, मुझे दिखाओ तुमने क्या बनाया है। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। वाह एंडी, तुमने मुझे हैरान कर दिया। पर ये मेरा नहीं है। बारबी, तुमने निराश कर दिया। ड्रेस का दूसरा हिस्सा कहाँ है? What? मुझे लगा कि वो वहाँ है। माफ करना, मेरी ड्रेस भी गिर गई। ठीक है, वैसे भी मैंने पहले ही तय कर लिया था कि एंडी विजेता होगा। ड्रेस के लिए बधाई। भयानक एंडी, तुम निश्चित रूप से इंस्टाग्राम स्टार बन जाओगे। क्या तुम असली राजा को देखने के लिए तैयार हो? यह रहा, क्राउन तुरंत में तुम्हारा हो सकता है अगर तुम एक अच्छी ड्राइंग बनाते हो तो। यह क्राउन मुझ पर बहुत सूट करेगा। ओह हाँ जेन, यह क्राउन तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी क्राउन बहुत पसंद है। तुम्हारा समय निकल रहा है, जल्दी करो। मेकअप के साथ ड्रॉ कैसे करूं? मुझे नहीं पता किसका उपयोग कैसे करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्राइंग बहुत अच्छा होगा। एंडी, यह लिपस्टिक पकड़ो ताकि तुम भी एक अच्छी ड्राइंग बना सको। सलाह के लिए धन्यवाद। ओके। देखो कितना अच्छा बन रहा है। इस तरह से तो वो लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, यह सुनहरा टुकड़ा मुझे बचाएगा। यह कहाँ से उड़ रहा है? अच्छी, अरे नहीं, मुझे माफ कर दो जेन, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, सच कह रहा हूँ। लेकिन अब मेरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। तुम्हारे साथ सही हुआ। मेरी ड्राइंग पकड़ो और मुझे अपना दे दो।
और परेशान मत हो। धन्यवाद, तुम एक सच्चे दोस्त हो। बस तुम्हारी ड्राइंग को थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। ओके। और मैं भी तुम्हारे लिए क्राउन बनाऊंगा, सिर्फ कागज से। यह सभी ड्राइंग से बेहतर है। अब उनके पास अच्छी ड्राइंग बनाने का समय नहीं होगा, लेकिन मेरे पास जीतने का पूरा मौका है। इसमें अच्छे से चमकीले रंग लगाती हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा ग्लिटर लगाना चाहिए। कितना खूबसूरत है, बहुत सुंदर। दोस्तों, अपने मास्टरपीस को दिखाने का समय आ गया है। जेन, यह अच्छा नहीं है। तुम इसे बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकती थी। और मैंने ओरिगैमी बनाया है ना अच्छा? एकदम ओरिजिनल, पर मुझे ड्राइंग की जरूरत थी, मेरी तरह। बिल्कुल सही बार्बी, तुम बहुत स्मार्ट हो। यह सबसे अच्छा क्राउन है जो मैंने कभी देखा है, और इसलिए यह पुरस्कार तुम्हें मिलता है। अब मैं एक असली राजकुमारी हूँ, कोई जेन नहीं। अब बस केवल किसी राजकुमार को खोजने की जरूरत है, और वह यहाँ है। ओह, इतनी जल्दी। डियर राजकुमार, क्या तुम मुझे अपने देश ले जाओगे? हाँ, पिंपल्स के देश में। अरे नहीं, तुम्हें पता है जेन, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक क्राउन है, किसी सोने का नहीं बल्कि प्यार से बनाया हुआ, और तुम्हारे लिए फूल भी। बहुत बहुत धन्यवाद एंडी। अब चलो आइसक्रीम खाते हैं। हाँ चलो। वाह, हम कहाँ हैं? एक चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम में से किसी एक को चॉकलेट फाउंटेन मिलेगा, या उसके पास जाएगा जो इन मार्करों के साथ इसे सबसे अच्छा बनाता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, तुम्हें अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने मुंह से ड्रॉ करना होगा, और तुम्हारे पास इसके लिए एक मिनट है, और ये शुरू हो चुका है। चलो, मुझे जीतना है क्योंकि यहाँ मुझसे अच्छा कोई नहीं है। क्या? तुम हार जाओगी क्योंकि मेरे पास सबसे अच्छी ड्रॉइंग होगी। तुम्हारे पास नीले रंग का चॉकलेट फाउंटेन कैसे हो सकता है? नहीं, मैं जीतूंगी। इसके अलावा मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। पेंट को ऐसे ब्लो क्यों करना है जब केवल इस कैप को हटा सकते हैं? वाह, मैंने खुद ऐसा क्यों नहीं सोचा? मुझे भी ऐसा ही करना है। उप्स, ओह, तो क्या तुमने कोशिश कर ली? क्या काम किया? क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? एक दोस्त की मदद करना बेहतर होता, और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। इसके लिए तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। एक साधारण पंख इसमें मेरी मदद करेगा। अच्छे, ओह, अब मैं क्या करूँ? अब ये टमाटर के रस की तरह दिख रहा है, या इससे भी बदतर। अब सुजी जरूर हारेगी। अरे हाँ, क्या तुम भी हंस रही हो? तो तुम भी हार जाओगी। अब तुम यह लो। अरे नहीं, तुम क्या कर रही हो? मिला तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। लड़कियों, समय समाप्त हो गया है। मुझे दिखाओ कि तुमने क्या ड्रॉ किया है। जूली, वो लाल धब्बा क्या है? गिरा हुआ पेंट, जाहिर है चेहरे पर भी। सूजी, तुम सब भी लाल क्यों हो? क्या तुम सबने एक साथ टमाटर खाया है? ऐसे ड्राइंग नहीं जीत सकते। मीला का काम भी बस ऐसा ही है, लेकिन कम से कम वो बिना किसी लाल धब्बे के है। मीला, तुम जीत गई। हुरे, अब वो सब मेरा होगा। हेलो स्वादिष्ट चॉकलेट, हमें भी कुछ चॉकलेट चाहिए, और हम इसे लेकर रहेंगे। यह कितना स्वादिष्ट है, मैं कितनी खुश हूँ कि मुझे यह मिला।
इसे खाकर मन खुश हो गया। अरे सारी चॉकलेट कहाँ गई? और वास्तव में इसे पीने की हिम्मत किसने की? शर्म नहीं आती? ओह तुम चोर। Okay. इस बार तुम्हारा पुरस्कार बहुत अजीब ओरिजिनल होगा। क्या तुम इस प्यारे छोटे कुत्ते को देख रही हो? लेकिन इनाम वह नहीं है बल्कि वह पूप है जो उसके पास है। इस दौर में तुम्हें फिर से अपने मुंह से ड्रॉ करना होगा, इसलिए अपना बेस्ट देने का कोशिश करो। समय शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि पूप ड्रॉ करने से आसान कुछ भी नहीं है। ड्राइंग को अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए तुम्हें एक गंध जोड़ने की जरूरत है, और मुझे यह भी पता है कि कैसे करना है। यह कैसी बदबू है? क्या यहाँ कोई मर गया है या कुछ सड़ा हुआ है? मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। उप्स, मैंने बहुत दिनों से अपने पैर नहीं धोए हैं। अपने पैर से चित्र बनाना मुश्किल है, लेकिन कोहनी के साथ ड्राइंग करना अधिक सुविधाजनक है। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी ढेर सारे मार्कर हैं। अरे नहीं नहीं, लड़कियों चित्र बनाना बंद करो, यह दिखाने का समय है तुमने क्या बनाया है। देखो मिला। वो बेशक कुछ नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर देखा है। यहाँ जैसे कि सूजी का, यह बहुत सुंदर है। और जूली का पूप बस ऐसे ही है। यह स्पष्ट है कि वह हारना चाहती थी। तो फिर ठीक है, उसे असली पूप मिलता है। क्या? लेकिन सूजी ने मुझे बुरा महसूस कराया। मैं इस भयानक चीज को नहीं खाऊंगी। तुम्हें खाना ही होगा, यही नियम है। कितना भयानक, मैं सोचूंगी कि यह सिर्फ चॉकलेट है। क्या वो सचमुच पूप खा रही है? नहीं, यह वास्तव में चॉकलेट है। दोस्तों क्या तुम्हें भी यह चाहिए? जी नहीं धन्यवाद। इस राउंड में तुम्हारा पुरस्कार होगा मछली। बदबूदार और बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं। तो इस बार तुम्हें सॉस के साथ ड्रॉ करना होगा। मुझे लगता है यह काफी मजेदार और असामान्य है। तो तुम शुरू कर सकती हो, समय निकल रहा है। मैंने पहले कभी सॉस से पेंट नहीं किया है। मुझे उम्मीद है मैं इसे खूबसूरती से कर सकती हूँ। वहाँ भी बहुत सारे हैं, मेरे पास अच्छा विकल्प होगा। लेकिन सारा कचरा मुझ पर ही क्यों? मैं क्या तुम्हें कोई डस्टबिन लग रही हूँ? मुझे भी लगता है कि शुरू करने का समय है। यह मेरे द्वारा बनाई गई ड्राइंग में से सबसे स्वादिष्ट ड्राइंग होगी। मैं केचप के साथ शुरू करूंगी। और मैं चीज सॉस के साथ शुरू करूंगी। यह पीला है इसलिए इस बेकार मछली के लिए बेहतर होगा। तो चलो शुरू करें। हालांकि यह चीज सॉस इतनी जल्दी खत्म हो गया, मुझे इसके बदले जल्दी कुछ खोजना होगा। लगता है यह बहुत अच्छा बन रहा है। अरे नहीं, सूजी की ड्राइंग भी मुझसे बेहतर है। मुझे जल्दी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, मेरे पास 5 उंगलियां हैं, जिसका अर्थ है 5 ब्रश, जिनसे एक ही समय में ड्रॉ कर सकते हैं। इस सॉस से स्वादिष्ट महक आ रही है। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे थोड़ा सा खा लेती हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतना स्वादिष्ट है। नहीं, यह काफी नहीं है, मैं और सॉस खाना चाहती हूँ। मिला, क्या तुम सॉस खा रही हो? लेकिन हमारे पास फ्राइज नहीं है। लगता है मेरा सॉस अब गया। नहीं, मेरे ड्राइंग पर नहीं। ओह, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कितना स्वादिष्ट। अरे नहीं, मैंने सारी सॉस खा ली। अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ।
खैर समय समाप्त हो गया है, यह देखने का समय है कि तुमने क्या ड्रॉ किया है। मेरे पास केवल एक ही रास्ता है, सूजी के साथ चित्रों की अदला बदली। मैं इंतजार कर रहा हूँ। जूली तुमने क्या किया, यह मछली की तरह नहीं दिख रही। मिला, मुझे दिखाओ तुमने क्या ड्रॉ किया है। वाह, यह अच्छा लग रहा है। अब तक मैंने जो भी देखा है उनमें से सॉस का यह सबसे अच्छा चित्र है। सूजी तुमने बिल्कुल कोशिश नहीं की, तो मुझे तुम्हें यह मछली देनी होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम कच्ची मछली खाना पसंद करोगी। मैं? पर क्यों? यह सही नहीं है। किसी को घटिया मछली खानी होगी। घटिया क्यों? इसे पकाया जा सकता है, मेरे पास एक बर्नर भी है। तुम क्या कर रही हो? ओ माफ करना, मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे करना है। हाँ, इसे सीधे मछली की ओर करना होगा। देखो ये कितनी स्वादिष्ट मछली तैयार हुई है। आखिरकार मैं एक स्वादिष्ट लंच कर सकती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। लड़कियों, इस बार सबसे प्यारा पुरस्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा है, यह प्यारी बिल्ली। इस बार कैट मेकअप करना होगा। जो बेहतर ड्राइंग बनाएगा उसे यह प्यारी बिल्ली मिलेगी। हमेशा की तरह तुम्हारे पास एक मिनट है और यह शुरू हो चुका है। मैं खुद एक बिल्ली की तरह दिखती हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सूजी, तुम अपने आप को ज्यादा महत्व दे रही हो, सभी को पता है कि मैं ही जीतूंगी। आईने के इस्तेमाल से किसी ने मना नहीं किया है, है ना? मुझे समझ नहीं आता कि कोई इसके बिना अच्छा मेकअप कैसे कर सकता है। उसके साथ ये बहुत आसान है। मैंने लगभग खत्म कर लिया है। तुम्हारा मेरे से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि मेरा मेकअप सबसे अच्छा है। बहुत बढ़िया। मेला, देखो जूली चीटिंग कर रही है। वो आईने का उपयोग कर रही है, जबकि ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि उसे सबक सिखाना होगा। बिल्कुल, और मुझे पता है कैसे। अरे तुम क्या कर रही हो? क्यों? सारा मेकअप खराब हो जाएगा। अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ, पर मुझे ये प्यारी बिल्ली अपने लिए चाहिए थी। मेरे पास एक आइडिया है कि एक प्रतियोगी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सुनो सूजी, तुम्हारे नाक पर कम मेकअप लगा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ चलो, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो मुझे खुशी होगी। अब तुम बहुत बेहतर दिख रही हो। अब तुम बिल्कुल बिल्ली दिख रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे हमेशा से पता था कि हम दोस्त हैं। चलो अब देखें कि ये प्यारी बिल्ली किसे मिलेगी। जूली, तुम इसे बिल्कुल नहीं दिख रही हो, तुम्हें मेकअप की कोई समझ नहीं है। सूजी, तुमने क्या किया है? हम यहाँ पायरेट नहीं खेल रहे हैं। ओ तुम, मेला तुम कितनी दुष्ट हो। पर मेला का मेकअप बहुत ही प्यारा निकला, तो फ्लफी अब उससे दोस्ती करेगी। अरे मैं तुमसे प्यार करूंगी, तुम्हें खिलाऊंगी और नहीं। लगता है कि मेला को बिल्ली से एलर्जी है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, हम खुद फजी को संभाल सकते हैं। अच्छी। ओह, मेला हर तरफ से लाल हो गई है, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, है ना फ्लफी? देखें पीटर, तुम चलो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुझे सिर्फ एक पॉपकॉर्न का टुकड़ा मिला, एक कितने अफसोस की बात है। हंसना बंद करो और देखो तुम्हारे पास क्या है। मेरे पास इसका एक बकेट है, यह बुरा नहीं है। स्वादिष्ट लग रहा है, अब सिर्फ तुम ही बची हो वेवियन। इतना सारा पॉपकॉर्न, हाँ यह तो इसका एक पूरा पहाड़ है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी है। मेरे पॉपकॉर्न को घूरना बंद करो और अपना खाओ। यह काम तो पलक झपकते ही हो जाएगा, पर इस वजह से मैं इसके मजे लेने से नहीं रुकूंगा। जिंदगी में हर पल का मजा लेना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो पीटर?
तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तरीके से खाया कैसे जाता है। मुझे पता है कि तुम यह सब चीज नहीं जानती, तो मुझे देखो और सीखो। मुझे एक कांटे और चाकू की जरूरत होगी। हाँ, इसकी मदद से मैं पॉपकॉर्न को ध्यान से छोटे टुकड़ों में काट सकता हूँ। वाह, क्या स्वाद है, एकदम कमाल का। क्या तुम थोड़ा जल्दी कर सकते हो? हाँ, मेरा हो गया। ओ, मुझे इतनी हड़बड़ी में नहीं डालना चाहिए था, गैस हो गया। अब तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ गए? मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे वो सब बकवास की जरूरत नहीं है। मैं सीधा अपने स्वादिष्ट पॉपकॉर्न को खा सकती हूँ। वाह, ये कितना कुड़कुड़ा है, मैं बता ही नहीं सकती कि कितना अच्छा है। अब बस एक अच्छे फिल्म की कमी है। अरे, क्या मैंने सारे खा लिए? वो भी इतनी जल्दी, मुझे पता ही नहीं चला। एक ही टुकड़ा बचा है, मैं इसे खत्म कर देती हूँ। यही मेरा मौका है, मैं इसे नहीं गंवा सकता। तुमने क्या किया पीटर? ये सही नहीं है, वो मेरा पॉपकॉर्न था। मैं खुद को रोक नहीं सका, वो मेरे इतने करीब था ना, इसलिए। चलो विवियन, अब तुम। कितना स्वादिष्ट है, मैं बहुत लकी हूँ, मैंने इतने पॉपकॉर्न के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। अपना हाथ मेरे खाने से दूर करो। उसने मेरी उंगली काट ली। हाँ, कितना दर्द हो रहा है, पूरा लाल हो गया है। हमें साथ मिलकर काम करना होगा, वरना कोई पॉपकॉर्न नहीं बचेगा। चलो वैक्यूम क्लीनर उठाओ और जितना पास हो सके उतना आओ। चालू करो मैरी, मैं तैयार हूँ। हमारा मिशन शुरू हो गया है, ये सफल हो जाएगा। जल्दी सारा पॉपकॉर्न हमारा होगा। कितना बढ़िया, मुझे इस तरह के मस्त प्लान का हिस्सा होने में मजा आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा पॉपकॉर्न कहाँ जा रहा है? पीटर, वैक्यूम क्लीनर को इसी वक्त बंद करो। तुमने मेरा पॉपकॉर्न कैसे चुरा लिया? ऐसे ही तुम्हारे चिल्लाने से मेरा सिर दुख रहा है, इसलिए लो अपना पॉपकॉर्न। बहुत बढ़िया, अब वो गई यहाँ से, तो कोई हमें नहीं रोकेगा। चलो जल्दी खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, हमारी मेहनत बर्बाद नहीं गई। इस बार मैं ढक्कन पहले खोलने के लिए तैयार हूँ। वाह, एक पैकम, बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। मैं नहीं रुकने वाली, मुझे अभी इसी वक्त इसे खोलना है। ये च्युइंगम काफी अच्छा होता है। वाह, किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। इतनी हड़बड़ी मत करो विवियन, जरा हमें भी तो देखने दो। वाह, मुझे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। यहाँ कितने सारे बबल गम है, ये तो गम का एक दीवार है। कितनी जल्दी तुमने सारे रैपर खोल लिए, पर तुमने भी हड़बड़ी कर दी। माफ करना, मैं तो एकदम ही भूल गई थी कि पीटर ने अपना हिस्सा नहीं देखा, पर मैंने तो काफी अच्छा काम किया है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या है। वाह, इतना कुछ इस ढक्कन के नीचे कैसे अट गया था। खैर छोड़ो, मुझे इतना नहीं सोचना, यह मस्त है। मेरे पास बोलने के शब्द ही नहीं बचे। फर्क नहीं पड़ता कि इसे किस ओर से देखा जाए, यह कमाल का है। सारे रैपर बस हटाने होंगे, मैं सारे उड़ा दूंगा ऐसे। मुझे भी वो खाना है। हाथ दूर करो, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। लालची कहीं के, कितने बुरे हो। अब बैठो और इंतजार करो जब तक मैं अपना गम खा रही हूँ। कितना मुलायम है। मैं एक बड़ा बबल फुलाने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। अब तक अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे गम में कुछ गड़बड़ है, इसे मैं फुला ही नहीं पा रही हूँ। पर मुझे पता है क्या करना चाहिए, मुझे एक पंप की जरूरत है। देखो ये काम कर रहा है। वाह, अब यह हुई ना बात, मेरा प्लान काम कर गया। कितना बड़ा गुब्बारा है, इसे एक स्टिक पर लगाकर मैं रखूंगी। काफी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। मुझे विवियन का बिलून चाहिए, पर वो तो पक्का मुझे नहीं देगी, इसलिए एक शरारती हो जाए, निशाना लगाती हूँ। अरे नहीं, मेरे बैलून को क्या हो गया, ये फट क्यों गया? माफ करना विवियन, मुझे बस थोड़ा मजा करना था। ये बिल्कुल मजेदार नहीं था। जाओ तुम अपना गम खाओ। हाँ, मैं अभी वही करने जा रही हूँ। ये कितना स्वादिष्ट है, मैं खाना बंद नहीं कर पा रही। और अब बबल फुलाने की मेरी बारी है। ये बस शुरुआत थी, मुझे थोड़ा वार्म अप करना होगा। देखो विवियन, वो ऐसा कैसे कर पा रही है। अब परेशान करने की बारी मेरी है। मैरी, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, तुमने मेरा बबल फोड़ा और मैंने तुम्हारा। क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मेरा चेहरा गम में क्यों ढक गया है? अरे नहीं, मेरा च्युइंग गम, ये पूरा बर्बाद हो गया, और मेरी भौहें भी। कितना भयानक, मुझे इन्हें फिर चिपकाना होगा। हो गया, मेरी पुरानी भौहें वापस आ गई। पीटर, अब तुम्हारी बारी है।
मैंने इस पल का कितने देर से इंतजार किया है। मेरे हाथ ने गम पकड़ लिया है और वे नहीं रुक सकते, और रुकना चाहिए भी क्यों, ये सब आखिर मेरे लिए ही तो है। वाह, इतना सारा गम है, ये मेरे मुंह में नहीं हटेगा, पर कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। घबराओ मत विवियन, सब कंट्रोल में है। देखो मैंने कितना मस्त बबल खुलाया है, एकदम कमाल का। रुक जाओ पीटर, बस करो, तुम्हारा बबल फट जाएगा। विवियन झुक जाओ। सही की मैरी, ये तो विस्फोट ही हो गया। मुझे उठने में मदद करो, मैं चिपक गया हूँ। तुम एक मकड़े की तरह लग रहे हो जो अपने जाल में फंस गया हो। अब मैं पहले हूँ। वाह, दूध के साथ कुकीज, लेकिन इतना कम क्यों है, केवल एक कुकी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। विवियन तुम देखो, मेरे पास एक बड़ा हिस्सा है। बहुत अच्छा, मैं तो इसके साथ खुश हूँ, मुझे दूध के साथ कुकीज बहुत पसंद है। तो क्या इसका मतलब मैरी के पास एक विशाल हिस्सा है? जल्दी से ढक्कन उठाओ। एक साथ 100 कुकीज और पीने के लिए दूध का एक बड़ा गिलास है। मैं तुम्हारी जगह रहना चाहता हूँ मैरी, लेकिन मुझे थोड़े से संतोष करना होगा। मैं कुकी को दूध में डुबो रहा हूँ, मुझे लगता है ये पसंद आएगा, बहुत स्वादिष्ट है। फिर से दूध में डुबोने का समय आ गया है। अरे नहीं, मैंने अपनी एक मात्र कुकी गिरा दी। शायद तुम अभी भी उसे निकाल पाओ। मुझे नहीं लगता, यह मुमकिन नहीं है। तुम कभी कभी कितने लापरवाह हो सकते हो पीटर, तुम्हें क्या लगा था? मैं सारा दूध पी लूंगा और फिर मैं अपनी कुकी तक पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे पास दूध की मूछें हैं? अरे वाह, ये स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत बढ़िया। पीटर तुम एकदम बेवकूफ हो। तारीफ के लिए धन्यवाद विवियन, तुम्हारे लिए अपनी कुकीज खाने का समय आ गया है। ओ, इसमें कितनी फीलिंग है, इसे खाने में तो मजा ही आ जाता है। और अब मैं इसे थोड़े दूध में डालती हूँ। ओ, मैंने भी कुकी को गिलास में गिरा दिया, लेकिन शायद ये अच्छा ही हुआ। देखो मेरा दूध कैसा हो गया है, ये चॉकलेट स्मूदी जैसा दिख रहा है। तुम क्या कर रही हो विवियन? दुनिया की सबसे स्वादिष्ट ड्रिंक बना रही हूँ। सारे सामग्री इकट्ठा हो गए हैं और अब इसे बस शेकर में अच्छे से हिलाना होगा। वाह, मस्त आइडिया है, बहुत बढ़िया। और अब देखते हैं कि कैसा बना है। कॉकटेल को एक सुंदर ग्लास में डालना होगा। बहुत चॉकलेटी लग रहा है, मुझे ये पसंद आया। मैं एक स्ट्रॉ और एक कॉकटेल छाता लगा देती हूँ और अब इसे पी कर देखती हूँ। ये जैसा मैंने सोचा था उससे भी बेहतर है। कमाल का स्वाद है, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और सच में मुझे बहुत जलन हो रही है। मुझे अब समझ आया कि यह स्ट्रॉ या छाता, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मायने सिर्फ स्वाद रखता है। और इसे पीने में बहुत मजा आया। और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कितने सारे कुकीज है, कुछ खा के देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, क्या हमें भी थोड़ा मिल सकता है? सोचना भी मत, तुम पहले ही अपना खा चुके हो, यह सब मेरा होगा। अरे नहीं, मैंने भी कुकी दूध में गिरा दिए। यह सब सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। ऐसा लगता है कि मेरे दूध में गिर गया, तो इसका स्वाद इसमें होगा। अच्छा विवियन, मैरी को सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ, तुम्हारी वजह से मैं पूरी भींग गई हूँ।